गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिनों से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं घर पे ही था, मैं बाहर नहीं गया। अभी मैं आया हूँ टर्की में, और एग्जैक्टली मैं हूँ पामुकलाई में। इस वक्त टर्की में आया था 2 दिन पहले, लेट नाइट पहुँचा था, और कल पूरा दिन मैंने ड्राइव किया है क्योंकि मैं वाया रोड आया हूँ इस्तांबुल से पामुकलाई तक, जो कि अप्रॉक्स 700 किलोमीटर्स के आसपास है। मैं चाह रहा था कल से ही वीडियो स्टार्ट करूं, बट कुछ ऐसा सिचुएशन बना नहीं कि कल मैं वीडियो बना पाता। काफ़ी थोड़ा लेट चल रहा था, थोड़ा जल्दी पहुंचना था मेरे को। मैं चाह रहा था कि थोड़ा टाइम पे पहुंच जाऊं मैं पामुकलाई में। इस चक्कर में मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो आज से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो वाइट वाइट जो है पूरा पामुकलाई है। एक्चुअली में पामुकलाई का मतलब है कैसल ऑफ कॉटन, मतलब अगर हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें मींस कि ये कॉटन का कैसल है। ये पूरा वाइट वाइट है, तो दूर से देखने में लगता है कि जैसे ये कॉटन का बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है, अभी थोड़ा करीब से भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं अपने होटल में हूँ। यहाँ पे तो मैंने होटल बुक नहीं किया था, तो इसलिए मैं चाह रहा था थोड़ा टाइम पे पहुँचूँ और थोड़ा एक अच्छा होटल देखे वहाँ पे रूम ले लूँ, बट लेट होते होते लेट हो ही गया और जो ऑप्शन मिला वो लिया। बट अच्छा है, ये होटल भी अच्छा है, बिल्कुल सामने है, यहाँ से वॉकिंग है। बाकी वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या टिकट है, कैसा है, वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और इंडिया में गाइस बहुत हालत ख़राब है कोविड को लेके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्रिकॉशंस लें, ग्लव्स पहने, मास्क, और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर पर ही रहें, बाहर ना जाएँ। बाकी मैं आपको मिलता हूँ कुछ देर के बाद पामुकलाई के अंदर। तो हम पहुंच गए हैं एंट्रेंस पे, ये साउदर्न एंट्रेंस है। इसकी वैसे 3 एंट्रीज हैं, तो मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, कहीं लेफ्ट राइट में आ जाएगी, उसमें 3 एंट्रीज हैं। और अभी भीड़ तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ लॉकडाउन है। जो लोकल्स हैं उनके लिए लॉकडाउन है, बट टूरिस्ट को ये अलाउ कर रहे हैं। टूरिस्ट जो हैं वो जा सकते हैं बाहर, बट लोकल नहीं जा सकते, स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। तो अच्छा भी है, थोड़ा भीड़ शायद कम होगा। तो गाइज ये पामुकलाई का मैप है। ये आपको मैप जो है जिस होटल में आप रुकेंगे वहां से मिल जाएगा, और या फिर जो पामुकलाई की एंट्रीज हैं वहां पे भी आपको ये मैप मिल जाएगा। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसकी 3 एंट्री हैं। एक जो है आपकी नॉर्दर्न एंट्री है, नॉर्दर्न गेट। एक आपका पामुकलाई टाउन का जो एंट्री है, और एक जो है आपका साउथ गेट है। तो अगर आप पामुकलाई टाउन में रुके हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है या कोई कन्विंस नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो आप पामुकलाई टाउन वाला जो है गेट यूज कर सकते हैं। इस गेट में बस एक ही ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको काफ़ी सारा क्लाइम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये माउंटेन टाइप, ये जो वाइट वाइट फॉर्मेशन है, ये नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर को जा रही है, और ये सारा आपको ऊपर क्लाइम करके जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास गाड़ी है तो जो आपका साउथ गेट है वो बेस्ट ऑप्शन है अंदर जाने के लिए। तो आप वहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करें, पार्किंग जो है तीनों गेट्स पे अवेलेबल है, तो आप साउथ गेट पे जाके अपनी गाड़ी पार्क करें और वहाँ से एंटर करें। वहाँ से चाहे तो पहले आप पामुकलाई चले जाएँ, फिर आप हायरापुलिस चले जाएँ, या फिर आप पहले हायरापुलिस चले जाएँ, वहाँ पे सब देख के फिर बाद में आके पामुकलाई में रिलैक्स करें। ये यहाँ पे शॉप्स हैं, बट अब सब क्लोज हैं कोविड के चलते। बट जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं वो खुले हैं, सिटी में भी खुले थे काफ़ी सारे, और यहाँ ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है वो भी ओपन है। ये सामने जो है वो टिकटिंग काउंटर है।
अभी मैं हायरापुलिस वाली साइड से एंटर किया हूँ। यहाँ पे पहले हायरापुलिस है, उसके बाद जो है आगे पुमुकलाई है। ये जो है शायद 2 AD में एक सिटी थी यहाँ पे काफ़ी बड़ी, जो कि काफ़ी लोगों ने पहले शायद वहाँ पे रोमन्स आए, उसके बाद ग्रीक्स आए, तो जो जो आता था, जो पुरानी सिविलाइजेशन था उनका जो स्टैचूज था, जो बिल्डिंग्स था, उनको डिस्ट्रॉय करके अपना बना देता था, अपने स्टैचूज अपनी बिल्डिंग्स बना देता था। और मैंने इसके अंदर आने के लिए पे किए हैं अराउंड 800 रुपीस के आसपास, आप मान के चले 80 लीरा, तो वही इंडियन करेंसी में अराउंड 800 हो जाता है। इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड है। और जैसे ही मैं एंटर किया था, वहाँ पे कुछ जो गोल्फ़ कार्ट रहती हैं वो भी थी, आप चाहें तो वो गोल्फ़ कार्ट हायर कर सकते हैं, तो वो आपको जो है सब जगह ले जाएगा, अराउंड 2-3 घंटे के लिए उसको बुक कर सकते हैं। उसके चार्जेस अराउंड 4,000-5,000 के आसपास है, बट आपके जैसे 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं फैमिली के, तो पूरी गोल्फ़ कार्ट जो है बुक हो जाएगी, तो ठीक है 5,000 में अगर पूरी गोल्फ़ कार्ट अगर आपको मिल जाती है, और अगर आप 6 लोग हैं तो उसी हिसाब से सही है। और अगर आप वॉक करना नहीं चाहते, मैं तो वॉक करने में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं तो वॉक करके जा रहा हूँ, और एनीवे पूरा तो मैं वैसे भी नहीं घूमूंगा। तो यहाँ पे एक एमपी थिएटर है, वहाँ जाऊँगा, जो कि मेन अट्रैक्शन है। उसके बाद फिर मैं पमुकला की तरफ चला जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करके। और आज मैं निकल रहा हूँ अंटालिया की तरफ, अगले 3 दिन मैं अंटालिया में हूँ, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या है वहाँ देखने को। कभी यहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी, उसके जो रोइंस हैं अभी भी यहाँ पे हैं। ये पूरा यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी एक सिटी थी, जो कि अब काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एक्चुअली जो टर्की का एरिया ना, वो काफ़ी अर्थक्विक प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अर्थक्विक भी आए, उससे भी ये काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं यहाँ पे। और वो सामने है वो अरीना जहाँ हम जा रहे हैं, जो कि यहाँ की सबसे मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन है इस जगह की, पमुकलाई, और ये जो अरीना है सामने। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वो ऊपर कुछ लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हॉट एयर बलून भी चलता है, अगर आपको हॉट एयर बलून का राइड करना है तो हॉट एयर बलून का भी राइड कर सकते हैं। वैसे तो हॉट एयर बलून अगर आप टर्की में आ रहे हैं तो कैपेडोकिया में सबसे फेमस है, तो अगर सब कुछ सही रहा, वेदर सही रहा, तो मैं भी कैपेडोकिया में हॉट एयर बलून का राइड करूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि वहाँ जाने का भी प्लान है मेरा। अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज़ कर दिया मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये काफ़ी बड़ा यार, काफ़ी वॉक करना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वो जो गोल्फ़ कार्ट है उसे हायर कर लें। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहां पे, थोड़ा देर रेस्ट करूंगा, थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैठे बैठे सोच रहा हूं क्या क्या हुआ होगा यहां पे और कैसे कैसे बनाया होगा इसको, लोग काफ़ी कम है कोविड के चलते, तो अभी देखता हूं, थोड़ा देर यहां बैठूंगा 15-20 मिनट, फिर पमुकला की तरफ निकलूँगा। ये यहां का मैक्सिमम एरिया, यहीं तक हम आ सकते हैं, इसके आगे इन्होंने बंद कर रखा है। यहाँ ऊपर से यहाँ तक हम आ सकते हैं करके, और इसके आगे जो है वो क्लोज कर रखते हैं। सो गाइज, अभी मैं आगे जा रहा हूँ पमुकला की तरफ। ये काफ़ी बड़ा है, अगर इसको आपको बाय वॉक घूमना है तो मेरे को लगता है कि आपको पूरा दिन चाहिए,
आप पीछे देख सकते हैं, पीछे काफ़ी दूर तक है और उधर पीछे पूरा ये दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ये साइड में मेरे एक रेस्टोरेंट है, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको कुछ लंच वंच करना है तो यहाँ आके आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है, कुछ बच्चों के खेलने की जगह है और एक स्विमिंग पूल भी है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे कि इन्होंने जो स्टोन्स हैं और जो स्टैचूज़ हैं वो जो सही कंडीशन में थे उनको निकाल के रखा है। चाहे तो आप ये म्यूज़ियम देख सकते हैं अगर आप म्यूज़ियम्स में इंटरेस्टेड हैं तो। इसकी 12 लीरा की टिकट्स है, मतलब कि वही $1-2 की टिकट है हार्डली। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप जाके अंदर देख सकते हैं इसको। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। मैं पहले पमुकला जाऊंगा, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके मैं वापस अंटालिया की तरफ निकलूँगा। मैं पहुँच गया हूँ एंट्री पे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो देख लीजिए, कुछ कंफर्टेबल रख लीजिए क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको शूज़ या जो भी आपने पहना है सैंडल वेंडल उतारने पड़ेंगे। मैं तो उतार के यहीं रख के जा रहा हूँ क्योंकि साथ में लेके कौन घूमेगा। तो ये है आपका पमुकला। ये जो है ये जो वॉल्केनिक वाटर है वो निकल रहा है तो माउंटेन्स में से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लेके निकल रहा है अपने साथ। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सारा डिपॉजिट होके कुछ ऐसा वाइट से फॉर्मेशन बन गया। नॉर्मली जो वॉल्केनिक वाटर रहता है वो सल्फर होता है उसमें, वो थोड़ा आपने देखा होगा ब्राउन कलर के जो पूल्स हैं वो बन जाते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक वाटर रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे पूरा वाइट है और इसमें जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। आप आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नहाने में इंटरेस्टेड हैं तो नहा सकते हैं, या फिर बीच बीच में लोग अपने पाँव जो हैं पानी में डाल के बैठे हुए हैं वो भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हों वो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये था हमारा पमुकले और मैं तो यहाँ कुछ देर बैठूंगा, रिलैक्स करूँगा। लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो बस ये नीचे एक छोटा सा एक किनाल सा बना रखा है पानी का, यहाँ पे अपने पाँव डालूंगा और कुछ देर यहीं टाइम पास करूँगा बैठ के। पानी जो है थोड़ा वार्म है क्योंकि ये वॉल्केनो से आ रहा है तो इसलिए थोड़ा वार्म है। ऊपर थोड़ा ज़्यादा वार्म था, यहाँ थोड़ा कम वार्म है, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर अराउंड 17-18 है, थोड़ा हल्की हल्की ठंड है। और मेरी टी शर्ट पर मत जाए, मैं बहुत ज़्यादा चल लिया हूँ इसलिए अभी तो फिलहाल नहीं लग रही है, बट थोड़ी थोड़ी ठंड है। एक घंटा बैठ के अब मैं वापस निकल चुका हूँ अंटालिया की तरफ, जो कि यहाँ से अराउंड 3.5 घंटे का रास्ता है। आज का जो वीडियो था यहीं तक था। अब कल के या जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको अंटालिया में मिलता हूँ।
तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखें, और कोविड के जितने भी प्रिकॉशन हैं, सैनिटाइज़र है, ग्लव्स है, मास्क है, वो यूज़ करते हैं। Oh.